चलो रेडी एवरीवन हियर। तो भाई हाँ, हमारा अगला टॉपिक है ना ये एवरीवन, नाम है प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ, हाँ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क। नाम से पता चल रहा है इसमें हम लोग आर्क का सम करने वाले, यानी प्लस करने वाले। ठीक है, चलो भाई अभी जरा ना यहाँ ध्यान से देखना है। आर्क पी क्यू आर, आर्क पी क्यू आर, यही वाला आर्क है ना। उसके बाद लिखा है आर्क आर एस टी, तो आर एस टी कहाँ है सर, आर एस टी, ये वाला आर्क है। ये पी क्यू आर है और ये आर एस टी है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो भैया देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी पी से लेके आर और आर से लेके टी, तो मेजर आर्क पी क्यू आर प्लस मेजर आर्क इज इक्वल टू मेजर आर्क पी आर टी। ये ओके याद रखना, इसी को कहते हैं एवरीवन। क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एवरीवन कि भैया हम लोग है ना आर्क को प्लस भी कर सकते हैं, है ना। हम लोग जैसे एंगल को प्लस करते हैं वैसे हम आर्क को भी प्लस कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। लेकिन प्लस करते ना मैंने एक बात का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना सर? एक बात का, आपने नोटिस किया एवरीवन, पहला वाला जो आर्क है पी क्यू आर वो P से लेके Q था और Q से लेके, और दूसरा जो R था ना वो एग्जैक्टली R से ही, ओ यही चीज इंपॉर्टेंट है एवरीवन। जब आप दो आर्क को प्लस करोगे ना तो एक पॉइंट होना चाहिए, इनफैक्ट मैं कहूंगा एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, इन कॉमन, या R को भूल जाओ, बाकी का पढ़ो जोर से। हाँ कम, सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए, जैसे पी क्यू आर है, आपने पी क्यू आर है, आर एक पॉइंट कॉमन है तो आगे आपने प्लस किया आर एस टी। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते हो पी से लेके क्यू, क्यू से लेके आर, फिर क्यू आर एस, ये प्लस नहीं कर सकते हो। ओके क्यू सर, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या कहा गया, ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। सब बोलो भाई, ये होना चाहिए, ठीक है फाइन। ऐसा भी नहीं कर सकते हो पी क्यू आर प्लस एस टी, ये प्लस नहीं कर सकते कि बीच में इतना बड़ा गैप आ गया, मतलब बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो ये चीज याद रखना, जब भी हम लोग आर्क को प्लस करते ना, सीधा बटो एकदम, सीधा बटो इलेक्ट्रो एकदम, जब भी हम आर्क को प्लस करेंगे तो एक एक कॉमन होना चाहिए। बात समझ में आई एवरीवन? बस यही चीज है एवरीवन, इसी को कहते हैं आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। इनफैक्ट यहाँ पे एक बात लिखी है नीचे, देखो एवरीवन आर पी क्यू आर, सब लोग देखो पी क्यू आर की तरह, पी से लेके क्यू, क्यू से लेके आर, ये आपका पी क्यू आर है। मैं मार्क कर देता भैया, पी से क्यू, क्यू से आर, ये पी क्यू आर। प्लस क्या लिखा है, आर क्यू आर एस, आर क्यू आर। अब क्यू आर की जिसकी क्यू से शुरू होगा, क्यू से आर, आर से एस, क्या ये प्लस हो सकता है? नहीं, देखो यहाँ पे लिखा है इज नॉट इक्वल टू आर्क पी आर एस, मतलब हम इसको प्लस करके पी आर एस नहीं लिख सकते, क्योंकि भैया हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब भी हम लोग दो आर्क को प्लस करेंगे क्या हो ना चाहिए। फिर से बोलो भाई, बस इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, ठीक है फाइन। तो ये बात याद रखना एवरीवन कि जब भी हम लोग दोनों आर्क को प्लस करेंगे तो कहानी ऐसी होनी, ठीक है एवरीवन। ओके तो आप है ना एवरीवन, ये डायग्राम, ये जब बनाओगे ना, ये सर्कल बनाओगे और यहाँ पे ना ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से यहाँ तक लिखना और फिर ये लिखना, ठीक है। मार्क कर लेना, इतना लिखोगे आप लोग, मार्क कर लो पहले। अभी सुनो भाई, तो क्या कहता है ये थ्योरम, द कॉर्ड्स करस्पोंडिंग टू ऑफ अ सर्कल आर, चलो क्या मतलब है इसका जरा ध्यान से देख। मान लो किसी ने आपसे बोल दिया कि भैया आर्क ए पी बी, यानी ये वाला आर्क कॉन्ग्रुएंट किसके साथ, आर्क सी क्यू डी, यानी ये वाला आर्क। तो किसी ने आपसे कहा भैया इस सर्कल में दो आर्क है और दोनों दोनों है ना, हमसे कहा जा रहा है कि अगर सपोज आर्क कॉन्ग्रुएंट रहा तो भैया कॉर्ड भी। सर कौन से कॉर्ड की बात चालू है सर? तो सुनो, अगर आप ध्यान से देखोगे आर्क ए पी बी के सामने एक कॉर्ड है ए बी, और आर्क सी क्यू डी के सामने एक कॉर्ड है डी। दिख रहा है एवरीवन, दिख रहा है एवरीवन?
ना, इसी की बात चालू है। आर्क एपीबी के सामने एक कॉर्ड है एबी, और आर्क सीक्यूडी के सामने एक कॉर्ड है। ये थ्योरम क्या कह रहा है? ये थ्योरम कह रहा है कि भाई अगर ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सामने है ना, उनके सामने जो कॉर्ड है, उनके सामने जो, सर ऐसा कहाँ लिखा है उनके सामने, इनके सामने ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं। ये देखो एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, हाँ करस्पॉन्डिंग का मतलब उसके सामने वाला, ठीक है। तो भैया आर्क एपीबी के सामने कॉर्ड है एबी, है ना, और आर्क सीक्यूडी के सामने कॉर्ड है सीडी, है ना। तो हमसे कहा गया भैया अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड भी होगा, ये प्रूव करके बताओ, ये प्रूव करके। कहानी समझ में है क्या करना है? हमसे कहा गया दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने दे दिया, तुम प्रूव करो कि दोनों कॉर्ड भी, बात समझ में आई, ये करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फ्रेंड हियर। तो भैया देखो कैसे करेंगे, सुनो, सबसे पहले सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास सर, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ, ओके, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ, और हमको जो बात दी गई है हमने वो लिख दिया। तो हमको क्या बात दी गई है, हमको दिया है कि आर्क एपीबी कॉन्ग्रुएंट है किसको, आर्क, बस। और हमसे ये सब बातें कहाँ पे आ गई, अब हमसे कहा गया कुछ प्रूव करो, हमसे क्या बोला गया भैया, ये प्रूव करो कि ये जो कॉर्ड ए बी है ये कॉन्ग्रुएंट है किसको, कॉर्ड सी डी को, ये प्रूव करो, ठीक है। अब ये करने के लिए हमको करना पड़ेगा कुछ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, सुनो भाई एवरीवन हियर, ध्यान से देखना है, सबकी नजर यहाँ पे चाहिए, एवरीबॉडी हियर, तो ध्यान से देखो एवरीवन, हमने क्या किया मालूम, हमने बेसिकली एवरीवन ये जो कॉर्ड का एंड पॉइंट था ना ए बी, और उस कॉर्ड का क्या था सी डी, हमने उसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया, बस ये। इसीलिए देखो ना एवरीवन यहाँ लिखा है ड्रॉ सेगमेंट, सबसे पहला क्या है, फिर बस। तो हमने क्या किया, हमने ना ये जो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स थे ना, हमने इसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया, बस ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो फिर एक बार सुनो क्या बोला गया, हमसे कहा गया था इस थ्योरम में कि भैया अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड्स भी, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आर्क कॉन्ग्रुएंट लिया, ओके। ये सब बातें कहाँ पे आ गई, अच्छा ये आर्क है मतलब ऑब्वियसली एक, और सर्कल है मतलब ऑब्वियसली एक, तो सब बातें लिख दी, ये हो गया हमारा गिवन। उसके बाद क्या प्रूव करना है, कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट, तो इसके सामने वाला कॉर्ड कौन है ए बी, इसके सामने वाला कॉर्ड कौन है सी डी, दोनों आपस में, बस। इसके बाद अभी हमने सबको ज्वाइन किया और लिख दिए ड्रॉ ओ ए, ड्रॉ ओ बी, फिर ओ सी, फिर चलो भाई सारी बातें हमने कर दी, ठीक है। अब आएगा हमारा मेन काम जो है प्रूफ, ठीक है। तो एवरीबडी हियर, अब ध्यान से देखना, सबसे पहला लिखा है मेजर आर्क ए बी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ऐसा है क्या, जरा देखते एवरीवन हियर, जरा ढूंढो आर्क ए पी बी कहाँ है और एंगल ए ओ बी कहाँ है, यह है एंगल ए ओ बी और यह है आर्क ए पी बी। आपको पता है एवरीवन, इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल, क्या बोलते हैं, और इसको कहते हैं आर्क या करस्पॉन्डिंग आर्क, और हमने पढ़ा था ये बात, हमने वेरी गुड, हमने पढ़ा था ये बात कि भैया ये आर्क और वो एंगल, बस। तो यही हमने लिख दिया कि ये आर्क ए पी बी और ये एंगल ए ओ बी दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, ये देखो लिख दिया हमने दोनों आपस में इक्वल, सही है। और इसको रीजन क्या दी है एवरीवन, ये बात याद रखना, क्या रीजन है। अब सेम कहानी हमने उस तरफ भी यूज किए, उस तरफ भी यूज किए मतलब एवरीवन, यहाँ पे भी तो एक एंगल है सीओडी और उसके सामने एक आर्क है सीक्यूडी, तो भैया जैसे वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल होने चाहिए, ये देख लो एवरीवन, ये दोनों भी इक्वल है, देखो ओके, रीजन सेम, क्या रीजन है सब बोलो,
बस ये याद रखना, ये आगे काम में आने वाले, इसलिए हमने इसको दिया इक्वेशन वन और इसको दिया इक्वेशन ओके। लेकिन हमको एक बात मालूम है, हमको एक बात मालूम है कि भैया गिवन में हमको दिया गया था, अगर आपको याद है गिवन में हमको क्या दिया गया था, गिवन में हमको दिया गया था आर्क, आर्क ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क, ये दिया गया था ना गिवन में, बस। तो एवरन उसी को हमने यहाँ पे यूज किए, ये देखो एवरन आर्क ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी क्यू डी, कहाँ से मालूम पड़ा? तो यार कॉमन सेंस वाली बात है, अगर ये दोनों इक्वल है, ये ना आर्क ए पी बी सी क्यू डी, अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर ये एंगल भी। अच्छा उसके पहले एक काम करना पड़ेगा, आप एक चीज नोटिस करो बहुत ध्यान से, इधर है ना आर्क लिखा हुआ है, लेकिन इधर क्या लिखा है? मेजर आर्क, क्या लिखा हुआ है बहुत ध्यान से देखना भैया। तो पहले तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? आर्क ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क, ना फिर एक चीज नोटिस करो बहुत ध्यान से, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे मेजर आर्क, यहाँ पे भी लिखा, लेकिन अगर आपका ध्यान गया है तो आप देखोगे कि एक चीज बदल गई, तो बताएगा क्या बदल गया? पहले कॉन्ग्रुएंट था, अब इक्वल आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमको लगता है सेम होता है सर, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट, हाँ भाई सेम ही होता है, बहुत हद तक सेम होता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप एंगल या आर्क की बात करते हो ना तो आप कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो, लेकिन जब मेजर वर्ड आ गया तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आई एवरीवन? पॉइंट टू बी नोटेड, जब मेजरमेंट आ गया, जब मेजर वर्ड आ गया उसके आगे मेजर एंगल या मेजर ऑफ आर्क आ गया तो आप उसको इक्वल लिखोगे, क्या लिखोगे? पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से, ठीक है। चलो भाई, तो अगले स्टेप में हमने कुछ नहीं किए, आर्क आर्क था खाली, उसके आगे क्या डाल दिया? मेजर, और कॉन्ग्रुएंट के बदले क्या लिख दिया? इक्वल। अब एवरेन यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी लिख दिए, क्या लिख दिया? फ्रॉम, और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थ्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने प्रूव की है जो कि हमको आगे काम में आने वाला है, ये वाली लाइन एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम ना दो ट्राइंगल लेंगे, देखो हमारे पास डायग्राम में, ओके डायग्राम में ध्यान से देखना, दो ट्राइंगल है, यही वाले ट्राइंगल, एक है दूसरा है सी, यही दो ट्राइंगल लेंगे। अब मैं आपको पहले से ही बताता हूँ क्या करेंगे हम लोग, पहले से आपको बता देता हूँ क्या आइडिया रहेगी, किस सोच पे हम लोग काम करने वाले, पहले से बता रहा हूँ हम लोग क्या करेंगे। ये दो ट्राइंगल लेंगे और ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। मैंने कहा ये दो ट्राइंगल लेके दोनों ट्राइंगल को, क्यों सर ऐसे क्यों करेंगे सर, जरा याद करो हमको अल्टीमेटली करना क्या है, बोलो भैया। अल्टीमेटली हमको ये प्रूव करना है कि कॉर्ड ए बी यानी ये कॉन्ग्रुएंट है किसको, कॉर्ड यानी ये, यही करना है ना अल्टीमेटली, इसलिए ना तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। और अब आपको ये क्लिक होना चाहिए बात, सोचो सोचो सर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से ये कैसे आएगा? अरे एक बार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं हमेशा कहता हूँ उसके बचे हुए सारे साइड्स और सारे एंगल्स भी, तो ए बी और सी डी ऑटोमेटिकली ये सोच यूज, ये सोचिए। और इसीलिए हमने जानबूझ के ना एवरीवन अब ये दो ट्रायंगल को लेना है, ठीक है। चलो तो भाई ये दो ट्रायंगल को लेंगे, सबसे पहले दोनों के नाम लिख देंगे, तो भाई नाम लिख दिया हमने इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सी, ठीक है ओके। सबसे पहले याद है हमने ये प्रूव किया था है ना, उसको हम यहाँ यूज करें ओके, और लिख देंगे कहाँ से आया था भैया ये लिख देंगे। और उसके पहले सर आपने ये नहीं बताया, अरे ये और ये एकदम इजी है, एकदम इजी क्यों है मालूम है? अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओए यहाँ पे ओसी, यहाँ पे ओबी, यहाँ पे ओडी, जरा ध्यान से इन चारों लोगों को देखो, आपको से देख के पता चलेगा अरे हाँ सर ये तो इक्वल होना ही है, ओए ओबी ओसी ओडी, ये सब के सब कौन है?
रेडियस, ये सब की सब कौन है? और रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हमेशा इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होते ही है। तो बस हमने इसी चीज को यहाँ पे यूज किया। ये देखो भाई, ये देखो एविडेंट, ओके, सेगमेंट OA कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OC रीजन, सेगमेंट OB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD रीजन। ये तो बहुत इजी था, मेन चीज था ये, और इसको हमने पहली प्रूव करके रख दिया था, और इसको नंबर दे दिया था 3, और इसलिए हमने यहां लिखा फ्रॉम। चलो भाई, तो दोनों ट्रायंगल में ये हो गया आपका एक साइड, ये हो गया आपका एक एंगल, ये हो गया आपका एक पैर ऑफ साइड, तो दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। सिमिलरिटी आएगा क्या? अरे क्या प्रूव किया हमने दोनों ट्रायंगल को, क्या प्रूव किया हमने? जब यहां कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंट है तो यहां पे भी क्या लिखोगे आप? नॉनसेंस, ठीक है। तो फिर एक बार बताता हूँ, सुन लो एवरीवन। पहले हमने क्या किया, हमने ये दो ट्रायंगल लिया, और ये दो ट्रायंगल में एवरीवन ऑलरेडी रेडियस पड़े हुए थे, ओके। हमने इन दोनों का यूज किया रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, इन दोनों का भी यूज किया रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और बीच में हमने एंगल डाला जो एंगल ऑलरेडी हम लोग प्रूव, और उसको जानबूझ के नंबर भी दिए थे हमने इक्वेशन नंबर 3, है ना। सारी तैयारी हमने करके रख दिए थे। सर आपने ऐसा क्यों लिखे? सर पहले एक साइड लिखा, फिर एक एंगल लिखा, फिर एक साइड लिखा। अरे क्योंकि हमारे टेस्ट का नाम क्या है? साइड एंगल साइड, इसलिए पहले फिर सिंपल। अब इन्होंने पहले साइड लिखता फिर से साइड लिखता तो जबरदस्ती अपने को ही कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए पहले साइड फिर एंगल हो गया, दोनों टेस्ट ऐसे टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके बचे हुए साइड्स भी तो बस उसी आइडिया को यूज करेंगे। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब देखो OA OC, OA और OC पहले से कॉन्ग्रुएंट है, OB OD, OB और OD ये भी पहले से कॉन्ग्रुएंट है, तो बचा कौन? यहाँ पे बचा AB और यहाँ पे बचा CD, तो हमने लिख दिया सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कई बार यूज कर चुके हैं, है ना। और यही तो फायदा होता दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का, बाकी के सारे साइड्स और बाकी के सारे एंगल भी, यही तो चाहिए था। ये बस अभी एक ही काम करना है, यहाँ पे हमने लिखा है सेगमेंट, यहाँ पे भी क्या लिखा है, बस हमारे टूप्रू में ना सेगमेंट वर्ड नहीं था, शॉर्ट वर्ड, तो बस यहाँ सेगमेंट हटा के क्या लिखोगे, यहाँ पे भी सेगमेंट हटा के, और दैट इज के बदले आप देयरफॉर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दैट इज लिखो तो और अच्छा है, देयरफॉर लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फाइन एवरीवन, बात समझ में, क्या किया